जाति और धर्म के नाम पर आदिवासियों को आपस में लड़ाने के साथ ही कॉरपोरेट घरानों को प्रोत्साहन देने का आरोप जताते हुए छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा दुर्ग के बैनर तले सोमवार को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर बस्तर के आदिवासियों द्वारा जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लंबे समय से चल रही है, जिनके ऊपर कारपोरेट घरानों का हमला लगातार जारी है। साथ ही जाति और धर्म के नाम पर आदिवासियों को आपस में लड़ाने की जो भी साजिशें लगातार जारी हैं, जिसमें हिंसा जैसी वारदात होने की लगातार खबर से नाराज जन संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी आवाज छत्तीसगढ़ सरकार तक पहुंचाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही लोकतंत्र व संवैधानिक मूल्यों का हो रहे हनन को लेकर धरना स्थल से रैली के रूप में जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि जो घटनाएं आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है, जहां पर धर्मांतरण के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है गाँव के अंदर जाकर, और एक माहौल तैयार किया जा रहा है यहां पर जो अल्पसंख्यकों के ऊपर में हमला करके, और ये फासीवादी सरकार जो है वो किसान विरोधी सरकार है और मजदूर विरोधी सरकार है। ये मुस्लिमों पर हमला करे, ईसाइयों पर हमला करे और दलितों पर हमला करे, ये इस ढंग से माहौल तैयार करके अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। दूसरे ओर इस टाइप के हरकतों के द्वारा वो कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये जो किसी एक पार्टी विशेष का ये कार्यक्रम नहीं है, ये छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा का ये कार्यक्रम है। और छत्तीसगढ़ में जो फांसीवादी जो हमले हैं दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे तो पूरे देश में ये हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी हमको देखने को मिल रहा है कि लगातार ये जो हमले हैं पूरे प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। मुख्य रूप से अभी हाल में जो आपने देखा है कोंडागांव नारायणपुर क्षेत्र में मसीह परिवार के कम से कम 60-70 परिवार हैं जिनको पर हमला हुआ है, और हमला करने के बाद उनको बुरी तरह मारा गया और उनको घर को तोड़ा, चर्च को तोड़ा। क्योंकि हर आदमी को अपना अधिकार है, वो चर्च में जाएगा कि मंदिर में जाएगा कि मस्जिद में जाएगा, सबका अपना एक मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पर कुछ आरएसएस और ये बजरंगी दल के जैसे लोग हैं जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, ये लोग वहाँ पर जनता के बीच घुसे हुए हैं और जनता को अपने साथ में इकट्ठा करके यही उकसाने का काम करते हैं। और वहाँ पर हमारा जो PUCL के जो साथी हैं जाकर वहाँ पर जांच पड़ताल करके आए हैं, उसमें भी ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने में आया है कि इसके पीछे ये जो आरएसएस बीजेपी के जो गुंडा तत्व हैं ये इसके पीछे में लगे हुए हैं और लोगों पर हमले। हम लोग आए हैं कि संवैधानिक मूल्यों के जो हमारा अधिकार है उसका जो है हनन किया जा रहा है, और साथ ही जो लगातार आंदोलन के ऊपर दमन किया जा रहा है, चाहे वो दमन मुस्लिम के ऊपर हो, चाहे ईसाई के ऊपर हो, मजदूर के ऊपर हो या किसान के ऊपर हो, इस दमन के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा इस दमन के खिलाफ और इस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर और तमाम तरीके के लोगों के ऊपर ये दमन अगर चलती है इस सरकार के खिलाफ करती रहेगी, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। थैंक यू। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।